नमस्कार, मेरा नाम बालम दपोटी है और मैं स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी विभाग में अकाडमिक एसोसिएट के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2077 के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो लेक्चर का अध्ययन करने के पश्चात आप डिजाइन टेम्पलेट के बारे में जान पाएंगे, स्लाइडों के साथ कैसे कार्य किया जाता है इसके बारे में जान पाएंगे, स्लाइड के लेआउट को कैसे परिवर्तित किया जाता है इसके बारे में जान पाएंगे, स्लाइडों का क्रम कैसे बदला जाए इसके बारे में जान पाएंगे, टेक्स्ट के साथ कैसे कार्य किया जाए इसके बारे में जान पाएंगे और टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट किया जाए इसके बारे में जान पाएंगे। सबसे पहले मैं डिज़ाइन टिप्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। हालांकि पावर पॉइंट श्रेष्ठ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कुछ अत्यंत प्रभावशाली टूल प्रदान करता है, फिर भी गलत डिजाइन विकल्प का चुनाव आपके सभी प्रयासों को खराब कर सकता है, लेकिन सही निर्णय लेना मुश्किल नहीं है। आगे दिए गए निर्देशों का पालन करके आप एक बेहतरीन स्लाइड बना सकते हैं। आइए जानते हैं। नंबर एक, टेक्स्ट और बैकग्राउंड के लिए विषम रंगों का प्रयोग करें ताकि टेक्स्ट को आसानी से पढ़ा जा सके। नंबर दो, काफ़ी बड़े कमरे में जहां प्रेजेंटेशन का आयोजन किया जाना है वहां आपको बड़े फॉन्ट आकार का उपयोग करना चाहिए ताकि पीछे बैठे दर्शक भी आपके प्रेजेंटेशन को पढ़ सकें। आमतौर पर 24 पॉइंट या इससे बड़े आकार के फॉन्ट उपयोग करने की सलाह दी जाती है। नंबर तीन, अपने संदेश के लिए छोटे वाक्यांशों और वाक्यों का प्रयोग करें। नंबर चार, सरल स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग करें। विभिन्न प्रकार के अनेक ट्रांजिशनों द्वारा आपके अपने दर्शक प्रेजेंटेशन के विषय से विचलित हो सकते हैं। नंबर पाँच, स्लाइड पर बहुत अधिक टेक्स्ट या ग्राफिक्स का उपयोग करने से बचें। आप जो कहना चाहते हैं उसे आपके दर्शकों को सुनना चाहिए और व्यस्त स्क्रीन द्वारा विचलित नहीं होना चाहिए। नंबर छः, टेक्स्ट पढ़ने में सरल और आसान होना चाहिए। आपको अपने प्रेजेंटेशन में बहुत अधिक टेक्स्ट प्रभावों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि, और एक स्लाइड पर अलग अलग फॉन्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद आता है स्लाइडों के साथ कार्य करना। देखिए, स्लाइडें आपके प्रेजेंटेशन का मूल तत्व होती हैं। आप लेआउट और डिजाइन का निर्माण और उपयोग भी कर सकते हैं, नोट्स जोड़ सकते हैं, हैंडआउट का निर्माण कर सकते हैं और अपनी स्लाइडों के स्वरूप को सुव्यवस्थित भी कर सकते हैं। आप अपने शो में आवश्यकता अनुसार स्लाइड डालकर नई स्लाइड का निर्माण भी कर सकते हैं। जब आप अपनी नई स्लाइड का निर्माण करते हैं तो नए स्लाइड डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके आप उपलब्ध नौ लेआउटों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। नई स्लाइड का निर्माण करने के बाद आप उसमें विभिन्न तत्व जैसे कि टेक्स्ट, पिक्चर, ग्राफिक्स, टेबल आदि इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिजाइन टेम्पलेट को अप्लाई करना। डिजाइन टेम्पलेट जोड़ने के लिए या मौजूदा टेम्पलेट को बदलने के लिए रिबन पर डिजाइन टैब का चयन करें। तत्पश्चात टेम्पलेट पर क्लिक करके उसका चयन करें। इसके बाद आता है स्लाइडों के लेआउट को परिवर्तित करना। स्लाइड का लेआउट परिवर्तित करने के लिए मेन्यू बार से होम पर जाएं, तत्पश्चात लेआउट कमांड का चयन करें। नौ लेआउट के साथ स्लाइड डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। अप्लाई करने के लिए किसी भी लेआउट की सूक्ष्म इमेज पर क्लिक करें, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। अब नई स्लाइड के रूप में अपनी मौजूदा स्लाइड को इंसर्ट करना और उन्हें संपादित करना। आप अन्य फाइलों से स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बाद उन्हें संपादित भी कर सकते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट स्लाइड और डुप्लीकेट स्लाइड। इसके लिए आपको सर्वप्रथम होम पर जाना होगा, तत्पश्चात न्यू स्लाइड पर क्लिक करना होगा और डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन या रीयूज स्लाइड का चयन करना होगा, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। अब आता है आउटलाइन से स्लाइड। आप स्लाइड के समूह जिसमें बहुत अधिक टेक्स्ट हो उसका निर्माण करने के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। आप आउटलाइन पेन में टेक्स्ट टाइप करके भी नई स्लाइड का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंसर्ट आउटलाइन डायलॉग बॉक्स पर पहुंचने के लिए मेन्यू बार से होम पर जाना होगा, उसके बाद न्यू स्लाइड पर जाना होगा, तत्पश्चात आउटलाइन से स्लाइड का चयन करना होगा। अब इसके बाद आता है चयनित स्लाइड को डुप्लीकेट करना। यह ऑप्शन आपको डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड प्रदान करता है जब आपको एक जैसी स्लाइड का निर्माण करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान स्लाइड के बाद वर्तमान स्लाइड की कॉपी को जोड़ने के लिए उस स्लाइड का चयन करें जिसे आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं और उसके बाद मेन्यू बार पर डुप्लीकेट स्लाइड कमांड पर दायां क्लिक करें या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी की दबाएं, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। आप पूर्ण स्लाइड का चयन करके स्लाइड को कट, कॉपी, पेस्ट भी कर सकते हैं।
इसके बाद आता है स्लाइडों का क्रम बदलना। स्लाइड शॉर्टर व्यू में स्लाइडों का क्रम बदलने के लिए उस स्लाइड पर क्लिक करें जिसे आप स्थानांतरित करना चाहते हैं और उसे नए स्थान तक ड्रैग करें। नॉर्मल और आउटलाइन व्यू में स्लाइड पैन में स्लाइड पर क्लिक करें और स्लाइड को नए स्थान तक ड्रैग करें। अब इसके बाद आता है स्लाइड को छिपाना, यानी कि स्लाइड को कैसे हाइड करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि स्लाइड शो के दौरान कोई स्लाइड प्रदर्शित ना हो और आप उस स्लाइड को हटाना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि वह बाद में उपयोग की जा सकती है, तो आप स्लाइड पैन में स्लाइड पर दायां क्लिक करें और हाइड पर क्लिक करके स्लाइड को छिपा सकते हैं। इसी प्रकार से आप स्लाइड को पुनः प्रकट यानी कि अनहाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। अब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाना। आप निम्नलिखित टूल्स का उपयोग करके एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जा सकते हैं। इसके लिए जो सबसे पहला टूल है वह है स्क्रॉल बार। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए या नोट्स पेन में आउटलाइन पेन में प्रदर्शित टेक्स्ट पर ऊपर या नीचे जाने के लिए स्क्रॉल बार का उपयोग करें, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। अब जो नेक्स्ट टूल आता है वह है अगली स्लाइड और पिछली स्लाइड। अगली स्लाइड यानी कि नेक्स्ट स्लाइड और पिछली स्लाइड यानी कि प्रीवियस स्लाइड। बटन का उपयोग करके आप स्लाइड शो के समय अगली या पिछली स्लाइड में जा सकते हैं। इन बटनों को डबल एरो द्वारा इंगित किया जाता है और यह लंबवत स्क्रॉल बार के निचले हिस्से में स्थित होता है। अब जो नेक्स्ट आता है टूल बार वो है आउटलाइन पेन। आउटलाइन पेन का उपयोग करने के लिए आउटलाइन व्यू पर जाएं और फिर उस स्लाइड पर क्लिक करें जिसे आप दिखना चाहते हैं। आप माउस का उपयोग करके या अप एंड डाउन एरो कुंजियों का उपयोग करके आउटलाइन पेन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अब इसके बाद आता है टेक्स्ट के साथ कार्य करना। दर्शकों को अपने विचारों के बारे में बताने के लिए आप टेक्स्ट पर कार्य कर सकते हैं। आपके प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को डालने, संपादित करने और उसे फॉर्मेट करने के लिए पावर पॉइंट आपको विभिन्न तरीका प्रदान करता है। इसमें जो सबसे पहले तरीका आता है वो टेक्स्ट को प्रविष्ट करना, यानी कि टेक्स्ट को एंटर करना। आप आउटलाइनिंग और इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करके टेक्स्ट को प्रविष्ट कर सकते हैं। समान स्वरूप की स्लाइड बनाने के लिए आउटलाइन टेक्स्ट का उपयोग किया जा सकता है। आउटलाइनिंग टूल बार का उपयोग करके आप शीर्षक, सूचियों और पैराग्राफ का निर्माण भी कर सकते हैं। स्लाइड में टेक्स्ट को सही तरीके से डालने के लिए पावर पॉइंट आपकी आउटलाइन के फॉर्मेट का उपयोग करता है। अब इसके अंतर्गत जो आता है वह है हेडिंग वन। हेडिंग वन स्लाइड का शीर्षक बन जाता है और हेडिंग टू टेक्स्ट बॉक्स की पहली लाइन बन जाती है। जब आप पूर्व परिभाषित लेआउट का चयन करते हैं और आउटलाइन व्यू में जाते हैं जैसा कि पहले बताया गया है, तो आप बाईं ओर विंडो में आउटलाइन टेक्स्ट विकल्प देख सकते हैं। आउटलाइनिंग टूल बार का चयन करने के लिए मेन्यू बार के नीचे स्लाइड पेन के साथ में आउटलाइन पेन का चयन करें। अब आता है टेक्स्ट बॉक्स। पावर पॉइंट टेक्स्ट बॉक्स के अनुसार स्लाइड पर टेक्स्ट डालता है। जब आप स्लाइड का निर्माण करते हैं और किसी विशेष लेआउट का उपयोग करते हैं तो स्लाइड में एक या अधिक टेक्स्ट बॉक्स हो सकते हैं। नया टेक्स्ट बॉक्स डालने के लिए मौजूदा टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करें। यदि आप स्लाइड में एक नया टेक्स्ट बॉक्स डालना चाहते हैं तो मेन्यू बार पर इंसर्ट पर जाएं और टेक्स्ट बॉक्स कमांड का चयन करें और फिर उस स्थान पर माउस की सहायता से टेक्स्ट बॉक्स बनाएं जहां आप उसे बनाना चाहते हैं। यदि आप टेक्स्ट बॉक्स के आकार को बदलना चाहते हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। आइए जानते हैं। नंबर एक, आप जिस टेक्स्ट बॉक्स के आकार को बदलना चाहते हैं उस पर माउस द्वारा क्लिक करके उसका चयन करें। टेक्स्ट बॉक्स के चारों ओर 8 हैंडल वाला बॉर्डर प्रदर्शित होगा। कोने में स्थित 4 हैंडल द्वारा बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाया या कम किया जा सकता है, जबकि किनारों पर उपस्थित हैंडल से केवल एक दिशा में आकार को बदला जा सकता है। नंबर दो, अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी एक हैंडल पर क्लिक करें और उसे माउस द्वारा ड्रैग करें। जब यह उस आकार का हो जाए जो आप चाहते हैं तब माउस का बटन छोड़ें। माउस द्वारा उस मोटे डॉट वाले बॉर्डर पर क्लिक करके और उसे ड्रैग करके बॉक्स को मूव करें, टेक्स्ट बॉक्स को मूव करें। यदि आप टेम्पलेट से टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर पर क्लिक करें और उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट की दबाएं। अब इसके बाद आता है टेक्स्ट को फॉर्मेट करना। टेक्स्ट जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं उसकी आउटलाइन या स्लाइड पर चयन करें। आप मेन्यू बार से होम पर जाएं, तत्पश्चात फॉन्ट से चयन करें या हाईलाइट किए हुए चयन पर दायां क्लिक करके और पॉपअप मेन्यू से फॉन्ट का चयन करें। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के फॉन्ट, फॉन्ट साइज, इफेक्ट और कलर का चयन करें।
जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। अब आता है फॉन्ट को प्रतिस्थापित करना। डिजाइन टेम्पलेट में पूर्व निर्धारित फॉन्ट होते हैं जिन्हें आप परिवर्तित करना चाह सकते हैं। यदि आप कई चरणों से पूरे प्रेजेंटेशन पर उपयोग किए गए फॉन्ट को परिवर्तित करना चाह सकते हैं, रिप्लेस फॉन्ट सुविधा का उपयोग करके इसे तुरंत प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसके लिए मेन्यू बार पर होम पर जाएं और तत्पश्चात रिप्लेस पर जाएं और रिप्लेस फॉन्ट का चयन करें। पहले ड्रॉपडाउन मेन्यू से उस फॉन्ट का चयन करें जिसे आप प्रतिस्थापित करना चाहते हैं और जिस फॉन्ट के साथ प्रतिस्थापित किया जाना है उस फॉन्ट को दूसरे मेन्यू से चुनें और रिप्लेस बटन पर क्लिक करें, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। अब इसके अंतर्गत आता है लाइन स्पेसिंग। पैराग्राफ मेन्यू बार से होम पर जाएं और लाइन स्पेसिंग का चयन करें। टेक्स्ट बॉक्स में लाइनों के बीच के रिक्त स्थान की मात्रा को परिवर्तित करें। लाइन स्पेसिंग के लिए लाइनों के बीच लंबवत स्थान की मात्रा का चयन करें। नंबर एक मान का अर्थ है लाइनों के बीच एक पॉइंट की दूरी, दो का अर्थ है डबल स्पेसिंग। इन मानों के बीच का मान इससे अधिक मान भी मान्य है। केस परिवर्तित करना। टेक्स्ट को पुनः टाइप किए बगैर उसके केस को बदलने के लिए फॉन्ट मेन्यू बार से होम पर जाएं और चेंज केस पर क्लिक करें। अब इसके बाद आता है सेंटेंस केस। प्रत्येक वाक्य के पहले अक्षर को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में बदल देता है। इसके बाद आता है लोअर केस और अपर केस, सभी अक्षरों के केस को बदल देता है। इसके बाद आता है टाइटल केस। प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में परिवर्तित कर देता है और बाकी सभी को अंग्रेजी के लोअर केस के अक्षर में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद आता है टोंगल केस। यह टाइटल केस के विपरीत होता है। यह प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को अंग्रेजी के लोअर केस अक्षर में परिवर्तित कर देता है और बचे हुए अक्षरों को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में परिवर्तित कर देता है, जैसे कि नीचे दिए गए स्लाइड में दर्शाया गया है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।